आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ही होता है जो हमें पास रखी हुई चीज़ों का एक मैग्नीफाइड व्यू देता है। आप लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ भी किया होगा शायद, किसी ने डिक्शनरी में जो छोटा छोटा लिखा हुआ होता है उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए यूज़ करते हैं। बैंक में यूज़ होता फिंगरप्रिंट्स को मैच करने के लिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स में लाइंस जो हैं बहुत पास पास होती हैं, उनको मैग्नीफाई करके उनको मैच करना आसान हो जाता। और ऐसे ही बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपको मैग्नीफाई करके देखना है और वो चीज़ें आपके आसपास ही हैं, आपकी टेबल पर ही हैं, तो उनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से, सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस में, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है और 12th में भी, 6 केसेस होते हैं इसके अंदर, 6 डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने। या तो आप रख सकते हैं O और F के बीच में, F पर या F के पीछे, फिर 2F, देन 2F के पीछे और फाइनली इन्फिनिटी। इसमें एक केस जब ऑब्जेक्ट O और F के बीच में रखा जाता है, विद इन O एंड F, फोकल लेंथ से पहले पहले, फोकल लेंथ से डिस्टेंस कम होना चाहिए फोकस से पहले पहले। आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस इसकी एक मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता था, वो रे डायग्राम हम भी बनाकर देख सकते हैं। जब कभी भी एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को आपको एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करना है, ध्यान से समझिएगा, आपको करना ये है कि लेंस लेकर उस ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट का आप मैग्नीफाइड व्यू देखना चाह रहे हैं वो विद इन 30 सेंटीमीटर रखा हुआ होना चाहिए लेंस से। लेंस जो है, अगर ये बुक पर लिखा हुआ पार्ट, ये पैराग्राफ आप मैग्नीफाई करके देखना चाह रहे हैं तो लेंस के और इसके बीच का डिस्टेंस आप 30 सेंटीमीटर से कम रखिए। आपसे तो दूर हो जाए भले, लेकिन लेंस और बुक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 से कम कम होना चाहिए, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओ और एफ के बीच में आ जाए। ठीक है इतनी बात। ये पर्टिकुलर केस ऐसा है जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं मैग्नीफाइड व्यू देखने के लिए। कैसे, इसका रे डायग्राम बनाकर देखते हैं। लेंस के एक साइड ऑब्जेक्ट रखा जाता है, अपोजिट साइड से हम ऑब्जर्व करते हैं, दूसरी साइड से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो बना लेते हैं उसको। एक तो पैरेलली लेंस में दोनों तरफ फोकस होता है, एक फोकस इधर है तो एक फोकस इधर भी होगा, उधर से आने वाली रे के लिए फोकस इधर बन जाएगा, ठीक है, लगभग यहाँ पर। और आप जानते हैं कोई भी पैरेलल रे जो कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती, तो इसको फोकस से आप पास कर दीजिए, कुछ इस तरीके से गुजर जाएगी। ठीक, एक लाइट रे और चाहिए हमें, दूसरी लाइट रे कौन सी लूँ? एक लाइट रे तो हमने ये ले ली फोकस वाली, एक लाइट रे ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाली। ऑप्टिकल सेंटर वाली आप जानते हैं एज इट इज़ पास हो जाती है, तो एज इट इज़ पास हो जाएगी। इन दोनों रेस को अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, यू विल सी दैट आपको इस साइड ये डाइवर्जिंग रेज नज़र आएंगे, दिख रहा है सबको? ऑन अपोजिट साइड यू विल गेट डाइवर्जिंग रेज, इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगी, तो रियल इमेज बनने का तो कोई चांस है नहीं। लेकिन आप इसको अपोजिट ऑर्डर में उस साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे की तरफ, तो आप देखेंगे अगर मैं इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करूं तो ये दोनों कहीं एक पॉइंट से ऐसे आती हुई नज़र आएंगी और इसी पॉइंट पर इसकी बनेगी एक एनलार्ज्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जो ऑब्जेक्ट इस, जो इंसान इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेगा, मान लीजिए आपकी आईज हैं, ठीक है, आप अगर इसको इस साइड से देख रहे हैं तो आपको इस ऑब्जेक्ट की ये वाली इमेज नज़र आएगी, वर्चुअल इमेज, जो कि एनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड है ना, और माइक्रोस्कोप का काम ही ये होता है मैग्नीफाइड इमेज बनाना, तो एक मैग्नीफाइड इमेज आपको नज़र आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई सबके? हमें इसकी मैग्नीफिकेशन निकालनी। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को अगर आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मैग्नीफिकेशन मिल जाएगी।
ठीक। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HU। इसके अलावा एक और फार्मूला आपको याद होगा जो कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में होता है, जिसको आप लिख सकते हैं V/U, जहाँ पर V इमेज डिस्टेंस है और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, यहाँ पर ये जो V/U है, ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। मैग्निफिकेशन M = V/U, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V × 1/U। ठीक है, इतनी बात। 1/U आपने लेंस फार्मूले में पढ़ा है कि 1/V − 1/U = 1/F होता। अगर मैं यहाँ से 1/U निकालूँ तो 1/U हो जाएगा 1/V − 1/F। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, तो 1/U की जगह पर 1/V − 1/F रख दीजिए, तो बन जाएगा मैग्निफिकेशन V × 1/V − 1/F। ये V अंदर ले जाओ मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो मैग्निफिकेशन इक्वल हो जाएगा V × 1/V। ये तो कैंसिल होकर 1 बचेगा, 1 − V/F। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर V की वैल्यू क्या होगी। चलिए, F तो लेंस के लिए फिक्स होता है कांस्टेंट, V की वैल्यू क्या रखें? V की वैल्यू वो होगी जहाँ पर हमारी इमेज बन रही है। इसके अंदर दो केसेस होते हैं, बहुत गौर से बात को ध्यान से सुनिए, दो केसेस होते हैं इसके अंदर। इमेज आपको क्लियर तब नज़र आएगी, ऐसा नहीं है कि हर इमेज आपको क्लियर नज़र आ जाए। इमेज आपको क्लियर तब नज़र आएगी जब इमेज कम से कम डिस्टेंस जो है उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यही कह लीजिए नियर पॉइंट पर हो, जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। जानते हैं आप लोग, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएं, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर आपको वो इमेज क्लियरली नज़र आएगी वो कहलाता है D, और ये होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास अगर लाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जोर आ जाएगा आइस पर और क्लियर नज़र नहीं आएगा, ठीक है, ब्लर्ड नज़र आएगा। बहुत पास बुक लाकर आप पढ़ने की कोशिश करके भी देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा, आपको ब्लर्ड नज़र आएगा। ठीक, तो ये कम से कम डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन D। डिस्टेंस हमारा D से ज़्यादा ही होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इनफाइनाइट, मैक्सिमम दूर से दूर। ठीक, या तो इमेज बन रही D पर, या D से लेकर इनफाइनाइट तक और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक। ठीक, हम दोनों केस डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसको ही कर लेते हैं। जब फाइनल इमेज हमारी बनेगी D पर, व्हेन फाइनल इमेज विल फॉर्म एट D, D का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर D पर बनेगी तो V की वैल्यू D के बराबर हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये -D होना चाहिए, क्योंकि आप इंसिडेंट लाइट से इंसिडेंट रे इधर से आ रही है और डिस्टेंस हम नाप रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में, ऑप्टिकल सेंटर से जब नापना शुरू करेंगे। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस D की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो V को -D के इक्वल रखेंगे अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। इधर लिख देता हूँ साइड में, यू विल गेट अ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 − D/F। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा 1 + D/F। ये होती है मैग्निफिकेशन जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ठीक, जब D पर इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन ये होगा 1 + D/F, और आप इजीली इससे आइडिया लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को देखकर, कि फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी मैग्निफिकेशन उतनी कम हो जाएगी। फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी मैग्निफिकेशन उतनी कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम से कम, जितनी कम से कम फोकल लेंथ का आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे मैग्निफिकेशन उतनी ज़्यादा आएगी। ठीक,
अब इसमें बात करते हैं उस केस की, केस नंबर टू, व्हेन फाइनल इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप लोग जानते होंगे कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर प्लेस करते हैं, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म इट्स इमेज एट इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट पर इमेज बनाता है, ठीक है। इसके लिए रे डायग्राम बनाते हैं, एक रे तो वही पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, तो एक रे तो ये आ गई। एक वही ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ले लीजिए आप, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ये इधर से पास आ जाएगी, पास होगा सीधी सीधी। आप देखेंगे दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज बोथ ऑफ दीज रेज विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ठीक, और कहीं नहीं मिलेंगी। इनको अगर आप आगे प्रोड्यूस करते चले जाएं तो ये रेज इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलती चली जाएगी और इन्फिनिटी पर जाकर इसकी इमेज बनेगी। यहाँ से देखने वाले को इसकी एक इमेज नज़र आएगी एट इन्फाइनाइट। ठीक है इतनी बात। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट है फॉर फाइनल इमेज एट इन्फाइनाइट। एक बार हमने फाइनल इमेज बनाई डी पर और एक बार बनाई है इन्फाइनिटी पर। अब मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस एडजस्टमेंट में मैग्नीफिकेशन क्या आती है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वही है एच आई अपॉन एच ओ या फिर वी अपॉन यू, लेकिन वो फार्मूला हम यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारी जो इमेज है वो इन्फाइनाइट पर बन रही है और वी अगर इसके अंदर आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये फार्मूला कोई डिफाइंड वैल्यू आपको नहीं दे पाएगा। ऐसे केसेस में हम निकालते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन के लिए इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पर एंगल मेड बाई इमेज एट आई, मतलब एंगल तो आप बता सकते हैं ना कि आई पर कितना बन रहा है, ऐसे देखने पर ऐसे जा रही है रेस, तो ये वाला जो एंगल है यही है आपका थीटा आई, एंगल मेड बाई इमेज एट आई। और ये लेंस वगैरह सब हटा दीजिए, आप इन आई से इस ऑब्जेक्ट को बिना लेंस के थ्रू देखिए, लेंस हटाकर ऐसे सामने रखकर, तो जब आप इसको ऐसे सामने रखकर देखेंगे तब देख लीजिए कितना एंगल बन रहा है बीच में, एक इसके टॉप से एक बेस तक, वो कहलाएगा एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक। जब ये इमेज मैग्नीफाई हो जाती है तो ये एंगल भी बड़ा हो जाता है, ठीक। दोनों के एंगल का जो रेशियो है उसी को हम कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन, मतलब एंगल मेड बाय इमेज एट आई और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, ये वो है जब बिना लेंस के देख रहे हैं ना, दोनों का रेशियो, ये कहलाएगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन। याद रहेगी बात, हम थीटा आई थीटा ओ डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते लेकिन टेन निकाल सकते हैं इनका, टेन थीटा आई और टेन थीटा ओ ट्राइंगल बनाकर, ठीक। और फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता, तो इसमें थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन लगाते हुए हम जो फार्मूला इसमें लगाने वाले हैं वो ये है, टेन थीटा आई डिवाइडेड बाई टेन थीटा ओ, वे थीटा आई इज़ द एंगल मेड बाई इमेज एंड थीटा ओ इज़ द एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट, ठीक। ये बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना सकता है, जब आप किसी चीज़ को छोटी चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़े से बड़ा एंगल कितना बन सकता है, वो तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट आपके सबसे ज़्यादा पास होगा, जितना पास लाते जाते हैं एंगल उतना ही बड़ा होता चला जाता है, ठीक। सबसे ज़्यादा पास कितना ला सकते हैं, कि इससे ज़्यादा पास कोई गुंजाइश नहीं बची, वो है आपका नियर पॉइंट, दैट इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हमने कैपिटल डी से डिनोट किया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा पास या ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन विदाउट यूजिंग एनी लेंस जो आप देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वो तब है जब वो डी पर रखा हुआ होगा। तो मैंने बिना लेंस के ऐसी एक डायग्राम नीचे बनाकर दिखाया आपको, जिसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑफ हाइट एच ओ एंड इट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द आईज, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं ऐसी, भले ही हमें ये दिखाई नहीं दे रहा होगा बहुत छोटा है क्योंकि, है ना, लेकिन डायग्राम में तो बना सकते हैं कलम की ताकत, ठीक। अब इसमें आप निकाल लीजिए टेन थीटा, यहाँ से टेन थीटा वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है एच ओ, सही बताया, और बेस कितना है, बहुत बढ़िया, तुम सब समझदार होते जा रहे दिन ब दिन। ये टेन थीटा ओ की वैल्यू आ गई, अब हमें टेन थीटा आई निकालना है,
थीटाई, थीटाई कितना है? वो एंगल जो एंगल फाइनल इमेज बना रही है एट आईज, तो फाइनल इमेज यहाँ से देखने पर वहाँ आगे कहीं जाकर बन रही है, तो वो जो एंगल बना रही है वो ये है थीटाई, जो आपको डायग्राम में मार्क करके दिखाया गया है। साफ साफ दिख रहा है सबको? ठीक है, ये वाली रे तो आप जानते हैं, तो सीधी सीधी आई है विदाउट एनी डेविएशन, कोई बेंडिंग नहीं हुई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ठीक, और दूसरी बात, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल भी हैं, क्यों भैया मान? दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये वाला एंगल थीटा ही है तो ये भी तो थीटा ही होगा, कहीं भी कह दोगे ये बात तो तुम शर्माओगे थोड़ी, एकदम कह दोगे कि ये थीटा ही है तो ये भी थीटा ही होगा, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अब मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे एक ट्राइंगल लेना था और ट्राइंगल मिल गया। अब इस ट्राइंगल में आप टेन थीटा ही लगा सकते हैं, लगा दो टेन थीटा ही, कितना होगा? टेन थीटा आई, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? एच ओ, एच आई हमें नहीं पता, एच ओ की हेल्प से ही टेन थीटा आई भी निकलेगा, इमेज का एंगल ऑब्जेक्ट की हेल्प से मिल जाएगा। ठीक, टेन थीटा ओ इक्वल हो जाएगा एच ओ डिवाइडेड बाई, सॉरी टेन थीटा आई की बात चल रही है ना, डिवाइडेड बाई ये कितना है? है तो यू, लेकिन रखा हुआ तो फोकस पर है, और फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज फोकल लेंथ, इसको एफ के इक्वल रख दीजिए, तो जाएगा एच ओ अपॉन एफ। इधर ध्यान दो, तो यहाँ से दोनों की वैल्यूज अब हमें मिल गई है, टेन थीटा ओ एंड टेन थीटा आई, पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन अवर फार्मूला टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन वी विल गेट एम इक्वल टू एच ओ डिवाइडेड बाई एफ, एच ओ डिवाइडेड बाई डी, दोनों को पुट कर दिया, पुट पार्ट करके देखोगे आप, एच ओ से एच ओ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा मैग्निफिकेशन इक्वल टू डी अपॉन एफ। कुछ फ़र्क पड़ा? कोई डिफरेंस आया? क्या डिफरेंस आया? पिछली बार जो मैग्निफिकेशन आई थी, शायद किसी को याद हो, धुंधला, अभी थोड़ी देर पहले, वन प्लस डी अपॉन, नाउ दिस टाइम कुछ नुकसान हुआ हमारा? एक का नुकसान हो गया, एक कम है, उसमें वन जो प्लस था ये ख़त्म हो गया, मतलब ये हुआ फाइनल इमेज अगर डी पर बनेगी, अगर फाइनल इमेज डी पर बनेगी तो मैग्निफिकेशन एक ज़्यादा रहेगी, और अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी तो मैग्निफिकेशन में वन की कमी आ जाएगी उसके कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन फिर भी भले इसकी मैग्निफिकेशन कम है, फिर भी समझदार आदमी ये वाली एडजस्टमेंट यूज़ करेगा। ठीक, मैं आपको देख ही नहीं रहा, मैं तो जब समझदारी की बात होती ऊपर देख के बात करता हूँ। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू डी अपॉन एफ के बराबर है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी एफ के बराबर है, यहाँ पर एक कम हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिर भी हम इसको प्रीफर करेंगे। वाई वी विल प्रीफर दिस मैग्निफिकेशन, दिस एडजस्टमेंट, बिकॉज व्हेन, ध्यान से सुन लो, कान खोल के, मुंह खुला रहेगा तो कान बंद रहेंगे, मैग्निफिकेशन एक कम है तब भी हम इसको प्रीफर कर रहे हैं, बिकॉज जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है तो हमारी आंखों पर सबसे कम स्ट्रेस होता है, आंखों पर जोर सबसे कम होता है रिलैक्स्ड आई से। ठीक, हमारी आईज की जो बनावट है वो इस तरह से है, नॉर्मली कोई भी लेंस आने वाली पैरेलल रेस को अपने फोकस पर एडजस्ट करता है, हमारी आईज की बनावट ऐसी है कि नॉर्मली जब आईज को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, नॉर्मली जो पैरेलल रेज आएंगी वो खुद ब खुद रेटिना पर एडजस्ट होंगी, खुद ब खुद। लेकिन उसके अलावा जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट पास लाएंगे, आई लेंस को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, सिलेरी मसल को उसे खींचना पड़ेगा ताकि इमेज जो है रेटिना पर बने पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी। जितना पास लाते रहते हैं ऑब्जेक्ट आइस के ऊपर, उतना ही स्ट्रेस, उतना ही जोर बढ़ता रहता है, सबसे ज़्यादा जोर इस पर पड़ता है जब फाइनल इमेज डी पर बनती है। ठीक है,
भले ही एक ज़्यादा है लेकिन इससे ज़्यादा वो प्रीफर करेंगे, हम एक का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, आँखें हमें ज़्यादा प्यारी हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।